अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस फाइनली हमारे एग्ज़ाम्स मिड टर्म के ख़त्म हो चुके हैं और फाइनली रिलैक्स हो चुके हैं। मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हमारे हो चुके हैं, जाना को स्टार्ट हुए थे और 18 को जाके ख़त्म हुए हैं। और फाइनली आज हमारा कोई भी क्लास नहीं है, आज बिल्कुल फ्री हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और ऊपर से हमारी मिड टर्म की टेंशन भी ख़त्म हुई है। तो अभी नेक्स्ट ये अपडेट्स हैं कि मेरे ख्याल से स्पोर्ट गाला शुरू होने वाला है, जो कि नेक्स्ट एक या दो वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे स्पोर्ट गाला। इस दफ़ा स्पोर्ट गाला सब लोगों का इकट्ठा होगा, सारे डिपार्टमेंट्स का इकट्ठा होगा, तो इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा उसमें भी। तो बाकी आज के सीन्स आपको दिखाएंगे, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो गाइस फाइनली अभी हम दोपहर की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं बाहर और आज क्लास को नहीं है, तो आगे पीछे ये सैर करेंगे, घूमें फिरेंगे और बाकी की चीज़ें दिखाएंगे। तो अभी हम बड़े ग्राउंड अपने डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है। आ जाए हमारे साथ, पहले मैं सोच रहा हूँ लामा इकबाल वाली साइड पे चलते हैं, उसके बाद वो क्या नाम है होटल मैनेजमेंट, और फिर वहाँ से अपने ब्लॉक की तरफ चलेंगे। तो गाइस अभी हम ये लामा इकबाल हॉल वाली साइड पे आए हैं, ये सामने देख सकते हैं ये है लामा इकबाल हॉल। बहुत टाइम के बाद इधर आए हैं, तो अब इसके अंदर एंटर होते हैं और अंदर से आपको सीन्स दिखाते हैं। आज लेक्चर कोई भी नहीं है, तो सोचा इधर चक्कर लगा लेते हैं, टाइम भी हमारे पास फ्री है, तो अब हम इधर चलते हैं लंच को। तो गाइस फाइनली अब हम एंटर होने लगे हैं अलामा इकबाल हॉल में, लंच को। इधर तो गेम में चलनी है, तो चलते हैं इधर से, हम नहीं खेलने नहीं है गेम इधर, तो लर्च में चलते हैं। गाइस अभी तो फाइनली अलामा इकबाल हॉल से हो के आ गए, अंदर बैडमिंटन के मैच लगे हुए थे और अब हम जा रहे हैं होटल मैनेजमेंट वाली जगह पे, जहाँ पे ये ब्लॉक बना हुआ है होटल मैनेजमेंट। तो इधर एंटर होते हैं और देखते हैं इधर के सीन्स क्या हैं। आ जाए हमारे साथ लंच में। कॉल आ रही है 6 से 8 थे। तो बस अभी हम होटल मैनेजमेंट के अंदर आ चुके हैं, ये चेयरों पे बैठे हुए हैं हम सब, चेयर आई हैं ऊपर से देखेंगे इस तरह। और अभी इधर बैठ के गप्पे लगाते हैं और बाद में मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी हम ये अलामा इकबाल हॉल वाले साइड पे ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में बहुत ज़्यादा ग्राउंड है, अगर आप यहाँ पे आके विज़िट करें तो आपको ग्राउंड ज़्यादा मिलेंगे, ब्लॉक्स कम मिलेंगे, ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। तो बाकी अभी फ़िलहाल हम आगे पीछे जा रहे हैं, आज लेक्चर नहीं था, थोड़ा थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है, दूसरा रिलैक्स हो गया माइंड क्योंकि मिड हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब लेक्चर वगैरह ही होंगे और प्रेजेंटेशन वगैरह। बाकी मैंने ये दिखाना था ग्राउंड में, ये पता नहीं कौन आ गया भाई, ये देखें सोया हुआ है। तो ये अलामा इकबाल हॉल है और ये इसके बाद ये होटल मैनेजमेंट है और वो ये स्टूडेंट सर्विस ऑफिस, और इसके इस जगह ये क्या नाम मस्जिद, और इस जगह पे हॉस्टल वाले हैं, ये भी हॉस्टल वाली साइड है और उस साइड पे भी हॉस्टल है, इस साइड पे बॉयज़ वाला
उस साइड पे गर्ल्स बना। तो गाइस हाँ, वो क्या नाम है, मैं फ्रेंड्स की बात कर रहा था, तो बताना था कि फ्रेंड्स मतलब बॉयज़ बॉयज़ अपने फ्रेंड्स बनाएं और गर्ल्स गर्ल्स अपने फ्रेंड्स बनाएं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो ये दोबारा ऐड कर दिया कि यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बनाएं लेकिन बॉयज़ बॉयज़ बनाएं और गर्ल्स गर्ल्स बनाएं। थैंक यू। तो गाइस अभी सब लोगों के मिड टर्म्स हो चुके हैं, तो बताना ये था कि मिड टर्म जो कि आपके 25 मार्क्स के थे, तो 25 मार्क्स तो आपके चले गए हैं, जितना भी मार्क्स आए हैं, 10 आए हैं, 15 आए हैं, 20 आए हैं, 22, जितना भी मिड टर्म के मार्क्स में से आपके आ गए। अब इसको छोड़ें, अब नेक्स्ट आपके पास 75 बाकी पीछे रह चुके हैं मार्क्स। टोटल मार्क्स 100 होते हैं यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट के, तो अब 25 मार्क्स का मिड टर्म तो चला गया आपके पास से, तो उसमें जितने भी आए, 5 आए, 10 आए, जितने भी आए, अब नेक्स्ट आपके पास पीछे रह चुके हैं 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स में से 25 मार्क्स होंगे आपके सेशनल, सेशनल में असाइनमेंट हो जाएंगी, क्विज हो जाएंगी, उसके साथ प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, तो ये 25 हो गए सेशनल, तो टोटल बन गए 50 मार्क्स। और इसके बाद फिर एंड पे फाइनल आपके एग्ज़ाम्स होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, तो वो आपके 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका जैसे मिड टर्म हुआ है ना 25 नंबर का, वैसे ही आपका 50 नंबर का फाइनल होगा। तो अभी आपके पास 75 मार्क्स पड़े हुए हैं, उसमें से कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, क्योंकि 25 मार्क्स का मिड टर्म तो चला गया, अब इसके ऊपर रोना या इसको याद करना कि इसमें पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब आपके पास पीछे 75% मार्क्स हैं, तो उसमें तैयारी अच्छी करें और उसमें अच्छे मार्क्स लें। तो इस वीडियो में यह बताना था कि सब्जेक्ट का क्या हिसाब होता है, होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा, और यही बताना था इस वीडियो में। तो गाइस अब मैं जाबर बिन हयान ब्लॉक में जाने लगा हूँ, इधर चलते हैं, स्कॉलरशिप का कुछ पता करना था, डिटेल्स वगैरह, क्योंकि मैंने खुद भी इस दफ़ा अप्लाई करना है, तो डेट भी आ चुकी है, तो अभी चलते हैं जाबर बिन हयान वाले ब्लॉक में। अभी छुट्टी का टाइम हो चुका है और हम भी घर चलते हैं, और सारे मॉर्निंग वाले भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहे होने हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। With the bills.